तो अभी बज गए हैं रात के 1:20। यहाँ पर मैं बच्चों को बर्फ दिलवा रही हूँ क्योंकि बच्चों ने अपनी फीट ले ली है, तो तुबा हो गई हमारी रेडी। जैद को ऐसे 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 कर रही हूँ कि ये दूध ना निकाले, तो ये फीट बार बार निकाल रही है, इसलिए मैं इसको दूसरी बर्फ दिला रही हूँ। आप क्या करो, बच्चों को हमने ऐसे ऐसे करते कि कही बहुत प्यार से, बट थोड़ा सा ना ऐसे ऐसे थापना है बच्चे। तो गाइस यहाँ पे जो टाइम हो चुका है ना, लगभग 2 बजने वाले हैं। मुझे लगा ये सो गया इसलिए इसको यहाँ लटाया था, पर ये तो जागा हुआ है भाई। सबसे लेट सोता था पहले, अब सबसे जल्दी सोता है, इससे उनकी लाइट बंद कर देती है। ये छोटी मामा और कैमरे के पीछे है बड़ी मामा। तो ये गाइस आपके सामने है बड़ी मामा। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ सीक्रेट। सबसे पहले दिखा देती हूँ पायल। ये है टूबा की 4 पेयर पायल। ये वाला जो साइज है ये मैंने अयान को पहनाया, अयान को आया नहीं। तो गाइस ये छोटा वाला है ना, सबसे छोटा पेयर, ये जैद को भी नहीं आया, सॉरी जैद को बड़ा, मैं उल्टा बोलती हूँ पर आप लोग समझ गए। तो गाइस मैंने ये सोचा है कि इनमें से ना 2 पेयर हम लेके जाएंगे ज्वेलर की शॉप पे और उसे चेंज करके ना एडजस्टेबल वाले लेके आएंगे, जैसे हमारा चीकू वाला पहना है ना जैद ने, वैसे लेके आएंगे ताकि 2 बच्चे और पहन ले। तो गाइस अभी बच चुके हैं रात के 2:30 और सारे बच्चे सो गए हैं, 3 बजे सो गए हैं। तो मैं और गोलू जा रहे हैं सोने, गोलू ऑलरेडी जा चुकी है, मैं जा रही हूँ सोने। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो अभी बज गए सुबह के 11 और रात भर से ना पाल की जो तबीयत है ना वो ठीक नहीं थी और कल रात को तो बहुत ज्यादा हालत खराब हो गई थी। तो गाइस हम लोग निकल गए हैं हॉस्पिटल के लिए। सबसे पहले हम लोग जा रहे हैं पारस हॉस्पिटल क्योंकि वहाँ पे पाल की जो रिपोर्ट है वो कलेक्ट करनी है और डॉक्टर को दिखाना है, फिर उसके बिहाफ पे पता चलेगा कि पाल को क्या दिक्कत है क्या नहीं। क्योंकि देखो 3 दिन मैं हॉस्पिटल में रह के भी आई हूँ, कुछ टाइम तक मेरे सबसे 15-20 दिन आराम रहा होगा, फिर से वही मेरे को शुरू होगी दिक्कत। पानी दूं क्या? तो गाइज ऑलमोस्ट बस 5 मिनट का रास्ता रह गया, बस पहुंचने वाले हैं हम लोग पारस हॉस्पिटल। और गाइज यहाँ से ना शिमला इतनी पास है, हम लोग ने तकरीबन जब हम यहाँ शुरुआत में आए थे ना तब एक बार गए थे, सपना दीदी मैं तन्नु, और एक बार याद है हम लोग देहरादून गए थे, गोलू हमें होटल नहीं मिला था, हम देहरादून से वापस आए थे। गाइज बहुत मुश्किल होता है, पहले से ना सब कुछ प्रिपेयर करके जाना चाहिए। तो यहाँ पे ना हमने फाइल ले ली है और हमें जाना है वहाँ पर। तो यहाँ पर ना पायल का जो डीमर है ना बड़ा है, तो डॉक्टर सुमित जैन से दिखाने के बाद ना सीधा सिटी स्कैन के लिए चले गए थे, पर स्कैन का हाथों हाथ आ जाता है पता, रिपोर्ट हाथों हाथ आता है। तो सारा का सारा जो फॉर्म है वो हमने फिल कर दिया। तो यहाँ पे ना पायल का सिटी स्कैन हो रहा है, तो यहाँ पे डॉक्टर सब चेक कर रहे हैं सब कुछ। पायल का जो स्कैन है कम्प्लीट हो गया है। तो चेंजिंग वेदर में वायरल सिम्टम्स तो हो जाते हैं, थोड़ा ध्यान रखना है, बट ब्लड जो आ रहा था वो तो एक्यूट इन्फेक्शन थी, तो चलो दवाई से 1-2 दिन में सेटल हो गया। वो सेटल हो गया। तो गाइस मैं पारस हॉस्पिटल से निकल चुकी हूँ और एकदम दोबारा आना मुझे ठीक नहीं लगा, और गलती मेरी भी एज में क्योंकि डॉक्टर ने मुझे 5 डेज बाद बुलाया था। हमने सोचा था कि हम लोग घर जाएंगे, बट घर अगर चले जाते ना डॉक्टर वहाँ से उठ जाते, डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ली हुई थी 2:30 बजे की। तो गाइस मैंने ना अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए भी ना शांति को ना 2-3 बार कॉल कर लिया, पूछ लिया कि बच्चे सो रहे हैं कि नहीं सो रहे। तो गाइस यहाँ पे बच्चे देख लो हमारी तो बस सो रही है। तो गाइस बस 1 किलोमीटर रह गया हॉस्पिटल पहुँचने वाले हैं। तो गाइस हम लोग निकल गए हैं हॉस्पिटल से, बस अभी पार्किंग के अंदर है और डॉक्टर को भी दिखा दिया, और रिपोर्ट जो आएंगी वो कल आएंगी। तो पायल ने जो अपनी टेस्ट है वो करवा लिया हॉस्पिटल से, और जब डिलीवरी के बाद जब मुझे कफ हुआ ना तो कफ में फिर मेरे को ब्लीडिंग स्टार्ट हुई। मेरा ट्रीटमेंट जो है 5-7 दिन तो हमारे उसी हॉस्पिटल में चला था जहाँ डिलीवरी हुई थी। 3 दिन का तो मैं हॉस्पिटल में एडमिट रही थी, फिर 5 दिन की दवाई उन्होंने दी थी, वे लगा लो एक हफ्ते का ट्रीटमेंट मैंने लिया दोनों हॉस्पिटल। तो गाइस जैसे घर पहुंचे ना तो गेट पे भैया ने रोक लिया कि एक पार्सल आया हुआ है आपका, वो पार्सल ले रही है। और सच में इतनी तेज नींद आ रही ना, बहुत तेज नींद आ रही है, गाड़ी में ना ऐसे लग रहा था सो जाए पायल और मेरे को दोनों को, और पहुंच ही गए हम लोग सोसाइटी में। और शांति को भी कॉल कर दिया था मैंने और पायल ने कि ना तो कुछ खाना बना के रख, हम लोग आ रहे हैं। तो शांति ने भी हमारा लंच की तैयारी कर ली है।